स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। तो किसी भी राज्य से आप भाई बहन हैं, लास्ट तक देखिए कहां पर क्या सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर देना। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को ले चलते हैं एक राज्य की तरफ, जो कि बिहार राज्य। और बिहार राज्य से आया ये एक लेटर, जो सरकार की तरफ से बिहार में एक नया आदेश है। और आप लोगों को बता दूं, अन्य राज्यों से यदि आप हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए। उत्तर प्रदेश की बहनों, आप भी वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। आप लोगों को और भी लेटर इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो 12 तारीख का ये कल का लेटर है, जो कि बिहार सरकार ने जारी किया है, निदेशक ने, ICDS। और आप देख सकते हो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और समस्त जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के लिए। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे, लेटर है संक्रमण से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की व्यवस्था में बदलाव। तो व्यवस्था में एक नया बदलाव आप लोगों को बता दूं, और उस व्यवस्था में बदलाव दरअसल क्या है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और पत्र को पढ़कर के आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो नंबर एक है THR एवं गर्म पका भोजन। तो इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। भोजन की राशि के समतुल्य जो राशि है वो लाभार्थी के बैंक खाते में DBT करने हेतु दिनांक 10/4/2020 तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। और आगे आप देख सकते हो, किंतु अपलोडिंग के कार्य की बहुत ही खेदजनक स्थिति है और इस कार्य को करने की समय सीमा दिनांक 20/4/2020 तक विस्तारित वगैरह कर दी गई है। तो जो समय सीमा 10 अप्रैल तक के लिए थी, बिहार में बताया जा रहा था कि सभी के DBT के माध्यम से भुगतान करने हैं लाभार्थियों के खाते में, सरकार पैसे भेजने वाली है क्योंकि पोषाहार और ये सब कुछ THR नहीं मटा जाएगा। तो ऐसे में जो है, लेकिन खाते ना मिलने के कारण जो 10 अप्रैल की जो तिथि थी वो बढ़ा करके अब 20 अप्रैल कर दी गई है। तो आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार से हैं, 20 अप्रैल तक आप लोगों को बैंक खाते वगैरह लाभार्थियों के जमा करने हैं और सरकार DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भुगतान करेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहेंगे अन्य राज्यों के भाई बहन भी गौर करिए इन बातों को, बिहार में क्या माजरा चल रहा है। यदि आप लोग पहले से अब घर को पोषाहार बांटने जा रहे हैं तो अच्छा होगा यदि आप पहले ही उनका खाता संख्या वगैरह सब कुछ लेकर के अपने पास सेव कर लें। तो यहां पर यदि आपसे मांगा जाएगा DBT करने के लिए अन्य राज्यों में, तो आप भी उसके लिए तैयार रहेंगे। तो हर खबर आप लोगों की भलाई के लिए और आप लोगों के जो है काम आ सके उसके लिए समय से पहले देने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मैं कहता रहता हूं, हर राज्य की खबर को आप लोग जरूर देखा करें और समझा करें कहां पर क्या नया ऐलान है। साथ ही देख सकते हो दूसरा पॉइंट है, जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में शून्य प्रविष्टियां की गई हैं उन केंद्रों की सेविका और साथ में देख सकते हो महिला पर्यवेक्षक से यानी सुपरवाइजर से लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा जिन परियोजनाओं में सबसे कम प्रविष्टि की गई है उन सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कारण जो है परीक्षा करें, तो उनसे पूछेंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे 15/4/2020 को, यानी कि परसों, आज आपकी 13 अप्रैल हो चुकी है और 15 तारीख को एक नया आदेश, यानी कि आपको जो है अपलोडिंग की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। तो 15 तारीख को बिहार में अपलोडिंग की जो है विस्तृत समीक्षा की जाएगी कि कितने लोगों का और जो है DBT के माध्यम से भुगतान हो पाएगा, इसके लिए खाते आंगनबाड़ी ने कितने और हम तक पहुंचाए। साथ ही देख सकते हो खराब प्रदर्शन करने वाले जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरुद्ध NFSA एक्ट के जो है उल्लंघन के आलोक में विभागीय कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी। तो आप लोगों के अधिकारियों के खिलाफ तो जो है कार्रवाई की जाएगी यदि उन तक बैंक खाते नहीं जाते। तो ऐसे में आप लोगों पर कितना प्रेशर आपके ये अधिकारी बनाएंगे जो आप लोगों को जो है DBT के माध्यम से बैंक खाते मांग रहे हैं, और ऐसे में जब उनकी ही नौकरी पर उनके ऊपर के अधिकारी का जो है संकट दिखता नजर आ रहा है। आगे चलते, फिलहाल के लिए आप देख सकते हो माह अप्रैल में, अप्रैल माह के लिए THR से और गर्म पका भोजन से जुड़ा हुआ, सूखा राशन से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट तो लिखा हुआ है। माह अप्रैल में THR एवं गर्म पका भोजन के बदले सूखा राशन दोनों ही पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप वितरित किए जाएंगे, और गर्म पका भोजन की राशि के बदले 2 किलो 500 ग्राम चावल और 1 किलो जो है और 250 ग्राम देख सकते हो दाल और 250 ग्राम आपका सोया बड़ी, इसका वितरण बिहार में किया जा रहा है। तो ऐसे में सूखा राशन बांटा जा रहा है क्योंकि हार्ड कुक्ड योजना संचालित नहीं हो सकती, प्राथमिक केंद्र और सारे केंद्र जो है आंगनबाड़ी सब कुछ बंद है पूरी तरीके से। तो ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ा यहां पर एक आदेश है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर राज्य के भाई बहन जरूर देखिए, चाहे दिल्ली से आते हैं, चाहे आप उड़ीसा से आते हैं या कहीं से भी। कहने का मतलब है यदि बिहार में ये सब कुछ लागू हो रहा है और सेम वही कंडीशन हर राज्यों में धीरे धीरे लागू हो जाती है, तो यहां पर आप लोगों को भी इन्हीं परिस्थितियों से आगे गुजरना पड़ेगा। तो उससे यदि आप लोगों के पास खबर पहले होगी, सूचना पहले होगी, तो आप सब उसके पहले जो तैयारियां कर लेंगे और आप लोगों को काफी जो है इससे मदद मिल जाएगी। आगे देख सकते हो वितरण के क्रम में लाभार्थी के बैंक खाते एवं आधार संख्या संबंधी विवरण सेविका
जिसका द्वारा प्राप्त लाभार्थी से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी के पास ना तो बैंक खाता है और ना ही आधार संख्या है तो इस तथ्य की प्रविष्टि सेविका द्वारा की जाएगी तथा बाद में इसका सत्यापन हो सके, किंतु ऐसे लाभार्थियों को भी जो है अनाज वितरण किया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों से सेविका राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान पत्र का विवरण अंकित करे। यानी कहने का मतलब है जिन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाता संख्या नहीं है या मान लीजिए कोई देना नहीं चाहता, तो ऐसे में वो लोग अपना राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र ये सारी चीजें दे सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ, एक बार फिर मैं जूम कर रहा हूँ, लाभार्थियों से सेविका जो है राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान पत्र, कुछ यानी कि पहचान पत्र होना चाहिए और उसके तहत आप लोगों को राशन वगैरह आंगनबाड़ी के जरिए फ्री में सूखा राशन वगैरह दिया जाएगा लाभार्थियों को। आगे चलते आपको बताना चाहेंगे एक और अपडेट की, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सेविका द्वारा वितरण के दौरान निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करने होंगे, तो आंगनबाड़ी को क्या सावधानियां बरतनी होंगी वितरण के दौरान, उन्हें भी सरकार ने लिख दिया है कि उचित शारीरिक दूरी बनाए रखें। यानी आप लोगों के पास जो हमारे पास फोटो आ रही थी जिनमें आप लोगों को बताया था बहनें चिपक चिपक कर फोटो ले रही हैं, विभाग वाले सेल्फी मांग रहे हैं, तो ऐसे में यह काम आपको नहीं करना है। फोटो भी लेनी है तो बहुत दूर से किसी से फोटो लेने के लिए कहिए और यहां पर वो सारी चीजें आप कर सकती हैं, या आप खुद ही बहुत दूर से जो है सेल्फी ले सकती हैं, लेकिन पास से नहीं आप लोगों को दूरी जो है यानी कि सेल्फी लेनी। आगे देख सकते हो, एक बार में केंद्र पर 4 से अधिक लाभार्थियों को जमा नहीं करना है, तो आपके केंद्र पर यानी कि जहां पर सूखा राशन बटेगा वहां पर आपके केंद्र पर, जैसा कि आप देखते हो यहां पर डोर टू डोर के लिए नहीं कहा गया है, लिखा एक बार में केंद्र पर 4 से अधिक लाभार्थियों को जमा नहीं करेंगे, तो 4 लाभार्थी सिर्फ रहेंगे, वो भी दूर दूर रहेंगे, लगभग 3-3 मीटर की कम से कम दूरी बना करके आप लोग रखना और अच्छा होगा यदि 4 मीटर की दूरी बना करके रखेंगे। यहां पर देख सकते हो सैनिटाइजर साबुन का भी आप लोगों को प्रयोग करना है, अपने जो है जहां पर आप लोग वितरण करेंगे वहां पर सैनिटाइजर साबुन रखनी होगी, साथ में मास्क दस्ताना सुरक्षा किट आदि का भी आप लोगों को प्रयोग करना है। तो लेकिन एक सवाल यह उठता है कि बिहार में आंगनबाड़ी को मास्क दस्ताना यानी कि ग्लव्स और सुरक्षा किट वगैरह मिली है या नहीं, ये आंगनबाड़ी बहनों कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि वहां पर जल्दी आदेश आ जाते हैं लेकिन उन आदेशों को देखते हुए आंगनबाड़ी अपने पास से किट और मास्क सुरक्षा ये साबुन वगैरह कहां से जुटाएंगी, बड़ी समस्या आंगनबाड़ी के लिए। आगे फिलहाल के लिए बढ़ते हैं बाकी के राज्य के भाई बहन, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बिहार के इस मैसेज की तरफ से जहां पर यह सब कुछ आंगनबाड़ी के लिए किया जा रहा है, और उम्मीद बना करके रखिए कि जल्दी आप लोगों को भी ये आप लोगों को जो है आपके राज्यों में मिलने वाला है। तो इससे पहले यदि आपके पास सूचना आ चुकी है बहुत अच्छी बात है, आपने वीडियो पूरा देखा है, तो यहां पर आप लोग भी जो है अपडेट रहेंगे आगे के लिए, और आगे डीबीटी वगैरह पर सरकार फोकस ज्यादा करेगी। आगे देख सकते हो ये हमारे पास लेटर है गोपालगंज में, और यहां पर आप देख सकते हो टीएचआर के संबंध में सूचना है 15 वगैरह को आंगनबाड़ी केंद्र पर दिनांक 15/4 यानी कि परसों टीएचआर वितरण की तिथि निर्धारित की जाती है। तो बिहार में 15 तारीख को परसों को दिन आप लोगों को बता दूं टीएचआर की वितरण वगैरह के लिए तिथि निर्धारित हो गई है, तो 15 को बिहार में यह सब कुछ बांटना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखनी है, इसका भी ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, और इसकी जो सूचना होगी वो भी सरकार को तुरंत मुहैया कराई जाएगी। देख सकते हो लाभुकों के बीच उनके घर जाकर वितरण की जाने वाली टीएचआर सामग्रियों को जांच कर जांच प्रतिवेदन उसी दिन जो है संध्या 5 बजे तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को भी जो है ईमेल के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो आंगनबाड़ी बहनों घर घर जाकर के सारी चीजों को बांटा जाएगा। आगे देख सकते हो डीएम ने कहा है सावधानी के साथ वितरित करें पोषाहार। आप देख सकते हो ये कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर में छपी खबर, यहां पर डीएम महोदय ने आदेश दिया आंगनबाड़ी बहनों को कि जो है सावधानी वगैरह आप सब बरते, पोषाहार का इन दिनों वितरण जो चल रहा है उसमें सावधानी बरतने की खासी जरूरत है। तो देख सकते हो लॉकडाउन के दौरान पोषाहार वितरण के लिए अनुमति मिल गई है, लेकिन डीएम ने पोषाहार वितरण करने वाले ट्रांसपोर्ट को भी कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए हैं, और उन्होंने चालक व श्रमिकों को फेस मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ पुष्टाहार उतारते समय जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश दे दिए। करीब 1 सप्ताह में जो पोषाहार वितरण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए आप लोगों को बता दूं पोषाहार का वितरण सुचारू रहेगा, और ऐसे में जो लोग ये सोच रहे थे कि अब पोषाहार बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा, पोषाहार आएगा और यहां पर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बना करके आपके केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद में आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 11 से 14 वर्ष स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही कुछ शर्तें रखी गई हैं। बताया जा रहा है कई शर्तों के साथ पोषाहार ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति दी है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि पुष्टाहार ट्रांसपोर्ट में शामिल प्रत्येक कर्मचारी, कंपनी प्रतिनिधि वगैरह है और जो चालक आदि फेस मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ समय समय पर जो है साबुन से हाथ वगैरह धोने के साथ सैनिटाइजर वगैरह भी करने का प्रयोग जरूर करें, और इसका जो है आप लोगों को अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। साथ ही पुष्टाहार की लोडिंग व अनलोडिंग के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, किसी जो है लिखा हुआ दिक्कत पर कर्मचारी से कार्य नहीं कराया जाएगा। तो यदि कोई दिक्कत आती है तो बताया जा रहा है कि कर्मचारी पर काम नहीं होगा यदि किसी को दिक्कत है, तो खासतौर पर वो बहुत सी बहनें जो इस समय बीमार हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, यदि आपके पास कोई रिपोर्ट है
हॉस्पिटल की तो शायद आप लोगों को काम से जो है छुटकारा मिल सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है। यदि आप बीमार हैं तो आप लोग अपनी समस्या को बताएं, अन्यथा जो है उल्टे लेने के देने वाला काम। साथ ही दोस्तों आगे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बड़ा ऐलान किया, तो जो भी वहां के किसान भाई हैं उत्तर प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश के लिए मैं कहना चाहूंगा, बड़े बड़े एक ऐलान हुए हैं जिनमें सबसे पहला है कि किसानों को हार्वेस्टिंग के लिए आवागमन में कोई सुविधा यानी कि असुविधा ना हो। तो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो किसान भाई हैं उनकी समस्या सबसे बड़ी इन दिनों ये है कि उनकी गेहूं की जो कटाई और इन सभी चीजों को करके फिर वो गोदामों तक कैसे मंडियों तक पहुंचाई जाएगी, उसका जो बिक्री वगैरह दर ये सब कुछ फिक्स करना, और फिर ऐसे में संक्रमण वगैरह बढ़ेगा। तो सरकार ने फैसला किया कि किसानों के वहां से उनके खेतों से या उनके घरों से ही जो है राशन वगैरह यानी कि उनका पूरा अनाज वगैरह जो बेचना चाहेगा उसकी बिक्री का इंतजाम सरकार जल्दी कर रही है, और इसके लिए यहां पर सुचारू रूप से व्यवस्था वगैरह बैठक में की गई थी। और आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे और भी, जैसे आप लोगों के जो पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड है, स्कूल कॉलेज बच्चे विद्यार्थी शिक्षक, इन लोगों को भी एक नया निर्देश जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है। तो अब जो है स्कूल कॉलेज तो बंद है और पढ़ाई भी ना लोगों की बाधित हो, इसी के चलते अब ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की जाएंगी और ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह पर फोकस किया जाएगा। जल्दी आप लोगों को इससे जुड़ी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं जो आपके ठेके शराब वाले ठेके उन पर भी सरकार जो है 3 दिन के अंदर काफी छापे मारने वाली है, और वहां पर यदि कुछ गलत तरीके से पाया जाएगा तो दोस्तों उन लोगों को जो है अंदर जेल भी डाला जाएगा 144 धारा के अंतर्गत। काफी इस लेटर में जानकारी लिखी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कल का ये जारी किया हुआ 12 अप्रैल का लेटर है आप देख सकते हो। और यहां पर मैं चाहता हूं कि इस लेटर के माध्यम से कुछ जो बड़ी खबरें थी जैसे किसान वगैरह को लेकर के वो हमने बता दी, और शराब वगैरह से रिलेटेड ये भी मैंने बता दी, और एक और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि यहां पर आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, वो सभी लोगों को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसका बेनिफिट क्या होगा, उस बेनिफिट की तरफ हम सीधा आप लोगों को ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये रहा, और इसे डाउनलोड करने का आदेश कल दिया है, कल 12 अप्रैल का ये लेटर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपकी स्क्रीन पर ये देख रहा होगा। तो ऐसे में आप लोगों को बता दूं ये रहा आरोग्य सेतु ऐप, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप लोगों के विभागीय जो ग्रुप हैं उनके माध्यम से आपको लिंक वगैरह भी दे दी जाएगी सुपरवाइजरों के माध्यम से। तो आरोग्य सेतु इस तरह का है, चाहे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे आपको बताना चाहेंगे इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा इसके बारे में, तो एक मैसेज है जो कि बहुत अच्छा है, लिखा है जानिए आरोग्य सेतु ऐप क्या है, इसे इंस्टॉल करना क्यों आवश्यक है। लिखा है आप में से बहुतों ने इंस्टॉल किया पर आपको लगा कि बकवास है और इसे आपने अनइंस्टॉल भी कर दिया होगा। मैंने भी 2-3 बार इंस्टॉल किया फिर हटा दिया। अब जानिए आगे लिखा है यह ऐप आपसे कुछ पूछता है, जैसा कि आपको जो है खांसी है, बुखार है, सांस लेने में परेशानी है, निश्चित है आप लिखेंगे नहीं नहीं, तो यह सब कुछ आप लोग लिखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। आगे देखिए लिखा है उसके बाद आप ग्रीन जोन में दिखते होंगे, आपको लगता होगा इस ऐप में कुछ है ही नहीं, पूरा बकवास है। और आगे लिखा हुआ है, आगे देख सकते हो आप, यह ऐप ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन रखने को कहता है, आप ऑलवेज ऑन रखिए जब भी आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, और यह ऐप ब्लूटूथ से आसपास के मोबाइल से संदेश जो है लेता देता रहता है, और जब आप किसी के पास खड़े हैं तो आप भी ग्रीन जोन के हैं, यह याद रखना। पास खड़ा व्यक्ति भी ग्रीन जोन वाला नॉर्मल व्यक्ति ही है, पर अगर वह व्यक्ति आज से 10 दिन बाद किसी कारण से कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा तो यह ऐप आपको तुरंत अलर्ट कर देगा और आपका ग्रीन कलर बदलकर ऑरेंज या दोस्तों पीला हो जाएगा। आगे देख सकते हो या कहेगा आप जो है दूध लेने आज से 10 दिन पहले डेयरी पर गए थे और वह व्यक्ति जो नीले शर्ट वाला था वह अब कोरोना पॉजिटिव है, यानी 10 दिन पहले उससे छिपा हुआ संक्रमण था जो अब साफ साफ दिखने लगा। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं जो आप लोगों के समझने के काबिल है। लिखा आप तुरंत अपनी जांच कराएं, और साथ ही यह ऐप उन सभी व्यक्तियों को सूचना दे देगा आप सभी लोग उस आदमी के चलते डेंजर जोन में आ गए हैं और तुरंत जांच कराइए। सबकी लोकेशन ऑन रहने से लिखा है उन सभी की मूवमेंट भी पता चलती रहेगी और कोरोना से लड़ना भी आसान हो जाएगा। आप इस पोस्ट को व्हाट्सएप पर भेजिए और लोगों को समझाइए, जिस दिन करोड़ों लोग जो है इसे इंस्टॉल कर लेंगे या आपके किसी भी ऑरेंज जोन के व्यक्ति के पास जाते ही रिंग करने लगेगा या आपको हॉटस्पॉट की सूचना अलार्म से दे देगा ताकि आप रास्ता बदल लें। तो बढ़िया यहां पर एक संदेश था जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है उससे जुड़ा हुआ, और मैं चाहता हूं कि आप सब भाई बहन इसको यदि चला डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आप लोगों के काम के, लेकिन गांव वाले भी इस पर थोड़ा बहुत फोकस करें। सविता श्रीवास्तव बहन है, उनकी समस्या थी, उन्होंने अभी अभी मैसेज किया, भाई नमस्कार, मैं मऊ से हूं और मऊ जनपद है उत्तर प्रदेश का, और उनका कहना कि भाई हम सबका मानदेय नहीं आया, बड़ी दिक्कत है, कोई उम्मीद है अभी
और आने का बताएंगे बताइएगा। और लिखा है कि आपसे बड़ी उम्मीद है भाई और ऐसे में आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरा नाम सविता श्रीवास्तव। तो देखिए हम कहना चाहेंगे ऐसे जो भी भाई बहन हैं जिनकी ये समस्या है कि वो लोग सभी लोग जो है जिनका मानदेय उत्तर प्रदेश में नहीं आया और वो उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि कब मानदेय आएगा, तो यहाँ पर कहना चाहेंगे नॉर्मल दिनों में भी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 75 जनपद, उन 75 जनपदों में जब नॉर्मल दिन थे, जब लॉकडाउन नहीं था, ऐसी कोई समस्या नहीं थी, कोरोना का संकट नहीं था, तब भी मानदेय 4-6 ऐसे 10 जनपद थे जहां पर मानदेय नहीं आता था। आप लोगों ने देखा होगा मैं वीडियो निकालता था तो कहीं ना कहीं बहनों का पैसा उस डेट में नहीं आता था लेकिन काफी जगह आ जाता था। तो ये समस्या तब भी थी और आज भी वही समस्या है। कल 10 तारीख को कुछ जगह पैसा आया, कुछ लोगों का जो है 11 अप्रैल को पैसा आया, तो 10 और 11 में पैसे भेजे गए लेकिन बहुत जगह जिलों में नहीं आया। तो ये समस्या पहले की तरह है। अब पहले थोड़ी मदद भी की जा सकती थी कि निदेशालय से पता करके भिजवाने का जो भी काम था वो हो सकता था, लेकिन इन दिनों जब पूरा प्रशासन और पूरा विभाग जो है कोरोना से संकट से बचाने के लिए जुड़ा हुआ है, लाभार्थियों तक जो है राशि पहुंचाने के लिए और उन तक जो है सुविधाएं पहुंचाने के लिए जुटा हुआ, तो ऐसे में हम लोग जो है यहां पर कुछ इस समय नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं उम्मीद यही जताता हूं, समझने लायक बातें हैं, हर बार सरकार जो है हमारा विभाग किसी न किसी जनपद का पैसा रोक करके ही रखती है क्योंकि शायद उनके पास बजट नहीं है या फिर 75 जनपदों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही देखने में मिल जाती है। तो उम्मीद कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जल्द ही पैसा शायद आ जाएगा, ऐसा मेरा भी मानना। एक आंगनबाड़ी बहन है यूपी से है वो भी, और उनका कहना क्या आप बता सकते हैं कि हम लोगों का मानदेय कब आएगा, और क्योंकि बहुत परेशानी, हो सकता है इन्होंने वीडियो नहीं देखा हो, मैंने उनको बताया कि दीदी 11 को आया था कुछ जगह। अब आप लोग अपना देख लीजिए, जहां जहां आया है बहुत अच्छी बात है और जहां नहीं आया थोड़ा इंतजार करिए, सब्र करिए, आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका पैसा कहीं चला जाएगा। तो यहां पर ऑल इंडिया के साथ बने रहिए और सभी